नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैरिज चैनल में। आइए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 5, 6, 7, 8, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये समझने से पहले हम लोग जो पर्सन शब्द का जो यूज हुआ है इस एक्ट के अंदर उसको समझते हैं। तो इसमें ये कहा गया है इस एक्ट के अंदर में कि जो लोग इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हो, मतलब भारत में ही रहते हो। वो दो जन भारत में भी रह सकते हैं, दो जन फॉरेनर भी हो सकते हैं, या एक जन भारत में रह सकता है, एक जन फॉरेनर हो सकता है। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं, तो पर्संस में सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो है यहाँ पर कि जो कंडीशंस बताई गई थी कि जो लड़का 21 साल से नीचे और लड़की 18 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते, मान लो कोई अपने कस्टम में शादी कर लेता है, या फिर इस एक्ट के अंदर में झूठ बोलकर मिस रिप्रेजेंट करके अपने आप को शादी करा लेता है, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो अंडर एज था। इस केस में अगर वो अंडर एज वाला या उसके कोई फैमिली वाले ये अगर बोले कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये अंडर एज है, उन्हें तो लगा कि ये अंडर एज नहीं है इसलिए हम लोग करा दिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब रहने दीजिए, शादी तो हो ही गई है, तो ये ऐसे नहीं चले। अगर पता चल जाता है कि जिस तारीख को शादी हुई उस तारीख में ये लोग अंडर एज थे, तो वो शादी माननीय नहीं होगी इस एक्ट के अंदर, वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये दो चीज इम्पोर्टेंट था जो पर्सन का जो यूज हुआ, और जो अगर अंडर एज अपना मिस रिप्रेजेंट करके अगर शादी करता है, शादी रजिस्टर करता है इस एक्ट के अंदर। अब सेक्शन 5, 6, 7, 8, तो जो सेक्शन 5 है वो है आपका प्रोसीड्योर, कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो लोग क्या प्रोसीड्योर फॉलो करें। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 2 के अंदर में, सेकंड शेड्यूल के अंदर में, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा दोनों को, इंटेंडेड जो कि हस्बैंड वाइफ होना चाहते हैं दोनों को फिलअप करना पड़ेगा, और फिलअप करने के बाद में ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर के पास। कौन से मैरिज ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं? उस मैरिज ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा जिस मैरिज ऑफिसर की एरिया में, जिस मैरिज ऑफिसर के डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक पार्टी कम से कम 30 दिन के लिए रहता है। कम से कम 30 दिन में जिस तारीख को फॉर्म सबमिट हुआ वो तारीख काउंट नहीं हो, वो तारीख को छोड़कर उसके आगे वाले 30 दिन कम से कम रहना हो, या तो दोनों पार्टी को या दोनों में से एक पार्टी। अगर नहीं रहते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको वहीं अप्लाई करना होगा जहां वो कम से कम 30 दिन रहे हो, ठीक है। उसके बाद नोटिस तो चला गया, ये सेक्शन 5 नोटिस देने के लिए बोल रहा है, और नोटिस कौन से मैरिज ऑफिसर को देना है वो बता रहा है। सेक्शन जो 6 है वो अब मैरिज ऑफिसर का इसमें क्या काम है वो बताएगा। अब नोटिस आ गया मैरिज ऑफिसर के पास में, तो मैरिज ऑफिसर उस नोटिस को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखेगा, एक मैरिज नोटिस बुक होगी, उस बुक के अंदर में उस इंटेंडेड मैरिज की वो एंट्री करेगा, और जो नोटिस का जो फॉर्म होगा, फॉर्म का एक हिस्सा, ठीक है ना, फॉर्म का एक हिस्सा वो अपनी ऐसे ऑफिस की ऐसी जगह में डिस्प्ले करेगा जहां लोग आ जा करके देख सकें, ठीक है। और जो मैरिज की जो नोटिस बुक होगी वो मैरिज नोटिस बुक को
कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, जो भी आदमी चाहे ऑफिशियल टाइम के अंदर में, ऑब्वियसली जो भी आदमी चाहे वो इंस्पेक्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये हो गया सेक्शन 6। अब यहाँ एक बात ये बोली गई है कि जैसे कि हम लोग सेक्शन 5 में पढ़ें कि उसी मैरिज ऑफिसर को हम फॉर्म, मैरिज का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जहाँ पर कम से कम 30 दिन के लिए इधर ऑफ द पार्टीज रहती है, और अगर अगर ऐसा नहीं है, मतलब 30 दिन के लिए नहीं रहती है या उस एरिया में कोई रहता ही नहीं है, जिस एरिया के मैरिज ऑफिसर को मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म सबमिट किया गया, तो मैरिज ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेक्शन 6 के अंदर में कि वो इंटीमेट करे, वो फॉर्म की कॉपी भेजे, कहाँ भेजे, उस मैरिज ऑफिसर को भेजे जहाँ पर ईदर ऑफ द पार्टी एज ए परमानेंट रेसिडेंट, जहाँ वो उसका परमानेंट रेसिडेंट है, वहाँ के मैरिज ऑफिसर को भेजे। और वो मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, वो अपनी ऑफिस के एक कॉन्स्पिकल जगह में जहाँ पर लोग आ जा करके देख सके, वहां पर वो कॉपी ऑफ द नोटिस, मैरिज की जो नोटिस है वो लगा देगा। ये है सेक्शन 6 के अंदर में, ये हो गया। अब आ गया सेक्शन 7, ऑब्जेक्शन टू मैरिज। सेक्शन 7 डील करता है ऑब्जेक्शन टू मैरिज, कोई अगर ऑब्जेक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इसमें एक चीज जरूरी है कि फॉर्म जब सबमिट होता है, सबमिट होने के 30 दिन के बाद ही शादी होती है। 30 दिन का एक टाइम दिया जाता है, जिस तारीख को फॉर्म सबमिट हुआ, फॉर्म मैरिज ऑफिसर जिस तारीख को वो एक्सेप्ट किया है फॉर्म को, मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, उस तारीख से लेकर 30 दिन तक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, 30 दिन के बाद ही होगा, ठीक है। तो 30 दिन के भीतर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर इस शादी को में ऑब्जेक्शन अगर करना चाहता है किसी भी कारण से, वो जो कारण ऑलरेडी सेक्शन 4 में बताया गया है उनमें से कोई भी कारण के लिए, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्शन करता है कोई भी आदमी, ठीक है, तो मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्शन को वो लिखेगा मैरिज नोटिस बुक में। लिख लेने के बाद वो चीज उसको या तो पढ़ने देगा, जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसको पढ़ने देगा, या उसको पढ़कर सुनाएगा, भाई आप ये बात बोले बिल्कुल ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, फिर उससे वो साइन लेगा, या तो वो करेगा या उसका कोई अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद, ये आपका ऑब्जेक्शन हो जाने के बाद अब शादी नहीं हो सकती। शादी कब तक नहीं हो सकती, तब तक जब तक कि मैरिज ऑफिसर इंक्वायरी नहीं कर लेता। अब मैरिज ऑफिसर के पास 30 दिन है, 30 डेज है, जिस तारीख को ऑब्जेक्शन होता है उस तारीख से लेकर 30 दिन का टाइम है मैरिज ऑफिसर को इंक्वायरी करने का कि ये जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं, ठीक है। अगर 30 दिन बीत गए, इंक्वायरी किया मैरिज ऑफिसर और उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो 30 दिन के बाद शादी हो जाएगी, ठीक है। या फिर 30 दिन के भीतर जो ऑब्जेक्शन किया है वो अगर विड्रॉ कर लेता है, अपना ऑब्जेक्शन अगर विड्रॉ कर लेता है, तो भी शादी हो जाएगी 30 दिन के भीतर। 30 दिन जो फॉर्म जब सबमिट किया गया था, जिस तारीख को फॉर्म सबमिट किया गया था उसका, उस समय जो 30 दिन का जो पीरियड था वही अप्लाई हो जाएगा पहला वाला। अगर जो आपका जो ये है, जो ऑब्जेक्शन किया है जो बंदा, वो अगर विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और अगर इंक्वायरी करते वक्त मैरिज ऑफिसर को ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें कि उसको लगता है कि भाई ये तो सेक्शन 4 को वायलेट कर रहा है, इसमें शादी नहीं हो सकती, तो वो शादी नहीं करेगा, मना कर दे, तो फिर शादी नहीं हो सकती। अब पार्टी क्या करे, जो शादी की जो पार्टीज है वो पार्टी क्या करे, तो उनको भी एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार है, कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती है, वो वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती है
जिसके अंदर में ये मैरिज ऑफिसर गिरता है, जिसके कमांड में ये मैरिज ऑफिसर आता है। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। वो मैरिज ऑफिसर को भी मानना होगा, पार्टी टू द मैरिज को भी मानना होगा। अगर वो अलाउ करता है शादी करे तो शादी होगी, अगर वो अलाउ नहीं करता है शादी करने तो शादी नहीं। ठीक है, तो ये जो इंक्वायरी वाला जो है ये सेक्शन 8 के अंदर में आता है, जिसको कि प्रोसीडियर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन कहते हैं। कि ऑब्जेक्शन मिल जाने के बाद मैरिज ऑफिसर क्या प्रोसीडियर करेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।